कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब क्या सजा है मेरी। तुम एक काम करो, तुम ना आज आज किचन की अलमारी में बैठ जाओ। तुम कच्चा आम, प्याज और सिरके वाली मिर्चें और थोड़ा सा खीरा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और मैं जा रही हूँ आज अबीर के साथ उसकी स्कूल ट्रिप पे। तो आज अभी जा रहा है एक पार्क में, पार्क कम फॉरेस्ट है, एंड दे वांटेड कि अगर कोई पेरेंट्स वॉलंटियर कर सके अपने आप को तो स्कूल वालों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो आई वॉलंटियर माई सेल्फ। और ये अबीर की लास्ट आउटिंग है इन्फेंट स्कूल में, और मैंने आज तक अपने आप को वॉलंटियर नहीं करा था इन कामों के लिए। सो आई थॉट कि इट विल बी अ गुड चांस फॉर मी ऑल्सो कि यू नो लास्ट टाइम है, क्योंकि इससे बाद वो जूनियर्स में चला जाएगा। तो इट्स गुड कि अगर मैं उसके साथ ये वाली ट्रिप पर चली जाऊँ तो यू नो एक मेमोरीज हो जाएंगी हमारी। तो बस जा रही हूँ, अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं। सूरी साहब धीरे धीरे लगे हुए हैं, इनको कहा है कि जल्दी जल्दी काम कर लो। बेबी बैठ गया वो। सूरी साहब को ऐसे टीज करती रहती हूँ, लड़का तो हीरा है, ये तो हम मान गए हैं, मान क्या हमें पता ही है। एनीवेज मैंने पता खाने का सामान इतना सारा ले लिया, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ उसके ट्रिप पर। जरा परेशान है कि ये औरत कितना कुछ लेकर जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट अबीर। इसको स्कूल छोड़ने के बाद मेरे पास 15 मिनट होंगे, तब करेगी बहन अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाएगी, क्योंकि आज स्कूल जाना है। अरे यार मैंने अपनी हैट नहीं ली। सूरी साहब को बोलते हो, सूरी साहब आज तुसी कार्ज कर लियो, आई लव यू, जो चाहो वो करो, मैंने क्या करे, कोई रोक टोक नहीं है। भाई मेरी लेट हो रहा है, कैमरा भी रख लो, कैमरा लेके नहीं जाना। So here we go. Yeah. Are we all ready to go to school trip? Yes. चलो फिर जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी बैग उठाते हैं। अबीर चला गया अपनी क्लास में, और मैं अभी अबीर के स्कूल के बाहर ही हूँ, और मैं वेट कर रही हूँ, टीचर मुझे कॉल करेगी और फिर मैं जाऊँगी, और फिर सब बच्चे, मैं और टीचर्स, हम सब बस में बैठकर वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। तो चलते हैं यार, मेरे लिए पहली टाइम है ये, मैंने कभी करा नहीं है। सो बहुत सारी मम्स जाती रहती हैं स्कूल ट्रिप्स पे और अपने आप को वॉलंटियर करती रहती हैं, फॉर मी इट्स अ फर्स्ट टाइम। सो फिंगर्स क्रॉस, आई होप कि अच्छा अच्छा जाए सब कुछ। तो हाँ जी, वापस मैं आपको दोबारा गाड़ी में ही मिल रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी स्कूल ट्रिप करके आ गई हूँ, और बहुत बहुत मज़ा आया। इतनी प्यारी जगह थी ना, हम आप लोगों को वहाँ ज़रूर लेकर चलेंगे। इट वॉज वेस्टर्न बर्ट फॉरेस्ट्स, और अमेजिंग थे। और मैं ऑब्वियसली मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शूट कर ही नहीं सकती थी, अलाउ ही नहीं था, और विच इज़ ओके, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बहुत प्यारी जगह थी, हम जंगलों में गए, हमने वॉक करी, यू नो एक ब्रिज था जो पेड़ों के अंदर से निकल रहा था, अमेजिंग, दैट वाज ब्यूटिफुल। तो बहुत मज़ा आया। अब मैं जा रही हूँ उसको स्कूल लेने, क्योंकि मैं स्कूल के बाहर ही वेट कर रही थी। हम लोग 3 बजे वापस आ गए थे, 3:30 उसकी छुट्टी होती है, तो बस जाती हूँ, उसको लेती हूँ, फिर वो आपको खुद ही आकर बताएगा। ये रहा पानी, ये लो। तो मैं दरवाज़ा बंद करूँ, दरवाज़ा बंद करो बेटे, कोई आएगा थोड़ी दरवाज़ा बंद करने। आ गए हमारे सूरी साहब छोटे वाले। सो आज सस्ता बता दे, हू डू यू लव द मोस्ट, आज सस्ता बता दे। बट आर यू हैप्पी दैट मम्मी तुम्हारे साथ गई आज? यस, आई एम वेरी हैप्पी। शुक्र है, किसी गल तो खुश हो तुसी। और गाइस आज एक इतनी बड़ी चीज़ हुई है जो मैं आपको अभी तक बता ही नहीं पाई हूँ, आई शुड हैव टोल्ड यू, लेकिन मैंने खुद ही रियलाइज करा। आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव द कार एंड गोइंग टू सिट इन द स्कूल बस स्कूल ट्रिप के लिए। तो क्या हुआ कि सुबह जल्दी जल्दी थी, वो सूरी साहब को मैं कह रही थी आप ये कर दो, आप वो कर दो, बेचारा मेरी हेल्प में लगा हुआ था अबीर को गाड़ी में बिठाने में, और क्योंकि मुझे 2 बैकपैक्स बनाने थे, एक अपने लिए एक अबीर के लिए, थोड़ा सा खाना भी लेके जाना था। हालांकि स्कूल वालों ने खाना प्रोवाइड करा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा स्नैक्स ले गई थी। तो इतनी जल्दी थी, मैंने जल्दी, मेरी पता क्या आदत है, जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ ना, मैं अपनी पूरी किचन को ना सेट करके निकलती हूँ, किचन में कोई भी चीज़ ऐसे फैली ना हो। वो फैली फैली के चक्कर में मैंने सूरी साहब को फ़ोन अपने पास ही रख लिया। Can you guys believe it? तो मेरे पास एक फ़ोन नहीं, कहाँ है डैडी का फ़ोन, कहाँ का बैठा? तो मेरे पास एक फ़ोन नहीं, दो फ़ोन है। और फिर उसकी पीए का फ़ोन आया मुझे, उसकी पीए ने उसको यू नो उनकी एक ऐप होती है टीम्स, उससे उसने उसके फ़ोन पे फ़ोन करा, उसकी पीए का फ़ोन आ रहा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं और सौरभ एक ही कंपनी में काम करते थे, सो आई नो हिज पीए वेरी वेल। तो उसने फ़ोन करा, उसने कहा प्रीति हैव यू पिक्ड अप सौरभ्स फ़ोन बाय मिस्टेक? मैंने कहा यस आई डिड। मैं और वो इतना हंसे, मैंने कहा अब करें क्या भाई, इतने में सौरभ ने अबीर के आईपैड से मुझे फ़ोन करा, और बस बेचारा बिना फ़ोन के, चलो फोन फॉर माय आईपैड, यहाँ ये फ़ोन फॉर माय आईपैड।
चलो बेटे देखते हैं तुम्हारे डैडी जी कैसे हैं, सुबह से अकेले हैं घर में। अरे जाना पड़ेगा अब टाइम पे, चलो चले। आर यू टायर्ड? टायर्ड तो ये कभी होते नहीं वैसे। मैं बहुत मजा आया गाइस। चलो बैठो बैठो बैठो, सीट बेल्ट बांधो सीट बेल्ट। अपने घर जन्नत में वापस आ गए हम, और ये रहे हमारे सूरी साहब जो मुझे डांटी जा रहे हैं, डांटी जा रहे हैं। भाई बंदा किसी का फोन ले जाए, सोच मैं फोन ढूंढी जा रहा हूँ आधा घंटे से, फोन ढूंढी जा रहा हूँ। यार मैंने कोई जानबूझ के तो करा नहीं ना, पता गाइस सच में जब मुझे याद आया ना इसका फोन मेरे पास है, पहले तो दो मिनट के लिए मैं सोचती करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था फोन करते रहा था अपने फोन, लेकिन तेरे पीए ने फिर मुझे फोन कर दिया ना, फिर मैंने उसको फोन करा, मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर पता वो मतलब की वो एक ऐप यूज करती है, उसी ऐप से उसने इसके फोन पे फोन करा, फिर उसी ऐप को यूज करके फिर वो उसी ऐप को यूज करके उसने दोबारा से फोन करा, क्योंकि जब वो ऐप को यूज करके से फोन करती है ना तो इसका फोन भी बचता है और लैपटॉप भी बचता है। उसने दोबारा फोन करा, मैंने दोबारा उठा लिया, मैं कहा पता नहीं कुछ बोलना भूल गई होगी, मैं हेलो कहती हेलो हेलो ओ इट्स रॉन्ग नंबर, मैं कहा नो नो इट्स नॉट रॉन्ग नंबर इट्स मी ओनली, मैं कहा आई थिंक आई हैव पिक्ड अप द फोन यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू पिक अप फ्रॉम हिज लैपटॉप, तो कहती या या, मैं कहा चल जा कर ले फोन उसको, दिमाग तो था सूरी साहब में आज आप बताएं कोई कोर्ट केस चल रहा है अब क्या सजा है मेरी, फोन देखने का भी टाइम नहीं था, मैं अभी उठाऊं अपने लैपटॉप से, जल्दी से ऊपर वाले टॉयलेट यू गो अपस्टेयर्स, ठीक है चलो ठीक है मैं कॉफी बनाती हूँ अपने लिए। तो आज स्कूल ट्रिप से पहले स्कूल वालों ने हमें ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, तो इसके अंदर ना जिस जगह पर हम जा रहे थे उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ था। तो हम गए थे इस जगह पे वेस्टर्न बर्ट, गाइस बहुत अच्छी जगह थी, जो जो यूके से हैं और इस जगह पर गए हुए हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं सौरभ को लेके जाऊंगी। तो हम ये पूरा एक फॉरेस्ट था, हमने इस फॉरेस्ट में इस पूरी जगह पे हमने वॉक करी थी और फिर हमने अपना लंच यहाँ पर करा था, बट इट वॉज अमेजिंग, बहुत बहुत मज़ा आया। एंड यहाँ पे ना बान भी है, ये देख रहे हो बान वॉक, बहुत प्यारा था। उन्होंने ग्रुपिंग्स कर दी थी तो मेरे ग्रुप में ये सारे बच्चे थे, हालांकि मेरे साथ दो टीचर्स भी थी, बट बहुत मज़ा आया इन बच्चों के साथ। तो अभी इनके लिए स्नैक्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने पतला पतला खीरों को काट लिया है और इनको मैं अब, ये थोड़े लंबे कट गए हैं, चलो छोटा कर लेते हैं इनको, अब मैं इन राइस केक्स के ऊपर लगाकर अबीर को सर्व करूँगी और वो खाएगा। आप लोग अपने लिए भी ये स्नैक्स बना सकते हो, बहुत ही हेल्दी और लाइट स्नैक्स हैं। राइस केक्स आपको बाजार में मिल जाएंगे कहीं से भी, तरह तरह के राइस केक्स आते हैं यूके में, तो आई होप कि जहां आप लोग रहते हैं वहां पर भी राइस केक्स आपको मिल जाएं। और राइस केक्स के ऊपर आप चाहें तो हमस भी लगा सकते हैं और ऊपर से आप खीरे लगा लो, तो पतला पतला एप्पल काट के लगा सकते हो, तो ऐसे आपका ना एक अच्छा सा राइस केक स्नैक बन सकता है। तो फिलहाल तो मैं अबीर को देती हूँ बनाकर, ऊपर से आप सॉल्ट एंड पेपर भी डाल सकते हो। ऑब्वियसली अबीर को सिर्फ राइस केक और खीरा पसंद है, तो मैं इसको सिर्फ राइस केक और खीरा दूंगी। तो अबीर के लिए स्नैक्स तैयार हैं, आई होप अबीर विल लाइक इट। छोटी नाइस गुड। तो डिनर में बना रही हूँ मैं आलू शिमला मिर्च, ये तो बहुत ज्यादा पसंद आ गया अबीर को, मैंने अबीर को ना नए स्नैक्स बना के दिए, राइस केक के ऊपर खीरा लगा के। Having it again? हाँ, he's having it again, और इस बार मैंने गोल गोल खीरे काटे। ना आके आ गई हूँ और ये अबीर, सॉरी अबीर, अब ना प्लीज स्नैक्स खाने बंद कर दो, मैं आपको ना रोटी बना के दे रही हूँ। अब क्या खाने वाले हो आप? मैं दो मिनट में रोटी बना रही हूँ, सब इनको सलामी खानी है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ और साथ में बनाती हूँ रोटी। हम दोनों की आदत है, हम कहीं से भी घूम फिर कर आते हैं ना, हम घर आके शावर ज़रूर लेते हैं। मैं बनाने लगी हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी, साथ में बना रही हूँ फुलके, तू फटाफट से चेंज हो गया, फ्रेश हो गया। मैं जा रहा हूँ, बस एक बार दोबारा शावर लेता हूँ, ठीक है, बेटर फील करूँगा। ठीक है, मैं इसके लिए रोटी बना रही हूँ, फिर खाना जल्दी खा लेंगे, ठीक है ना। मैंने कुछ खाया नहीं हुआ है, तूने भी ऑब्वियसली, तो कभी फ्रूट्स जबरदस्ती खिलाए मैंने। भाई कस्तूरी मेथी डाल के जो सब्जी बनाने का मज़ा आता है ना,
वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम ना आज किचन की अलमारी में बैठ जाओ। तुम ये ना, ये बहुत तंग कर रहा है ये सब कुछ, इसको खाना क्या करना है। ओ नहीं 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 बेटा नहीं, नो दैट इज स्टक, लुक लुक इज स्टक, इट्स स्टक। व्हाई? आई विल टेक इट आउट विद यू ओनली, मम्मी विल टेक इट आउट विद यू विद द मैजिक YouTube चैनल। ये लो खाना बन गया। हां बस यार बन रहा है खाना तो। हम बस मैं लगा रही हूँ, ठीक है तीनों इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं। हाँ ये आम काटेगी इसके अंदर इसके साथ। हाँ वो आपका चाम है ना, वो काट दूंगा। चल ठीक है बढ़िया लग रहा है। आलू की सब्जी और रोटी, थैंक यू सो मच। आलू नहीं, आलू की सब्जी नहीं, ऐसे बेइज्जती मत करो। सिर्फ आलू नहीं है, शिमला मिर्च भी है। जी जी जी, हम कहाँ से बेइज्जती करते हैं। इग्नोर द गुलियां गाइस। ओए हमें तो अभी भी आप सुंदर ही लग रहे हो। कहाँ गए थे आज? ऐसे घूमने गई थी, स्पा करवाने गई थी मैं अपना। मेरी यहाँ हालत खराब है इस टाइम, प्लीज खाना बना दे। तो बस खाना लग चुका है, सब्जी अच्छी लग रही है यार, बहुत भूख लगी हुई है। और हमारी चटनी, और अभी सूरी को मैंने बिठा दिया वहाँ पर, और मैं और सौरभ खाएंगे यहाँ पर। अभी सूरी की ये प्लेट जो उसने उसमें जीती थी अपने स्कूल फेयर में, गाइस ये बहुत मज़ेदार की चीज़ होती है। कच्चा आम, प्याज और सिरके वाली मिर्चें और थोड़ा सा खीरा, ऊपर से आप थोड़ी सी लाल मिर्च, नींबू और नमक डाल लें, मज़ा आ जाएगा। सच में बता रही हूँ मैं आपको। तो डिमांड आई कि यार पापड़ भी बना ही ले, तो बस पापड़ ले आई हूँ यार। उस दिन दीदी जीजू आए हुए थे तब हम पापड़ बनाना ही भूल गए। दीदी जीजू अगर आप देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम पापड़ भी होंगे मेन्यू में। तो बस गाइस अबीर तो इनफैक्ट सो भी गया, और सौरभ भी उसके साथ आई थिंक एक क्विक नैप ले रहा है। मैं जा रही हूँ अब घर के थोड़े काम करने, क्योंकि सारा दिन घर पर नहीं थी, तो लॉन्ड्री करनी है और कपड़े प्रेस करने हैं, तो वो सब करती हूँ। और आप लोगों से मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। इनफैक्ट आज के ब्लॉग में मुझे आपको अपनी ज़ारा की शॉपिंग भी दिखानी थी जो हमने लास्ट वीक करी थी, लेकिन सौरभ सो गया है तो आई रियली वॉन्टेड टू शो विद हिम, पर कोई बात नहीं, मैं आपको कल दिखा दूँगी वो सारी शॉपिंग। और हमने आपको ये भी बताना था कि दो दिन में एग्जैक्ट तीन दिन में हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, एंड वी आर गोइंग टू स्टे ओवर देयर। और मैं पहली बार जा रही हूँ उस जगह पर, यूके में ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगी कल के ब्लॉग में। मैंने सोचा था आज ही बता दूंगी, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज विद सौरभ, और वो क्विक नैप ले रहा है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो कल का ब्लॉग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर देखिएगा, और आज के ब्लॉग को भी खूब प्यार दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ कल, एंड तब तक के लिए अबीर के स्टाइल में पीस।